नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। राम मंदिर पर बोले सीएम योगी, इस बार राम के नाम का जलाए दिया, दिवाली पर शुरू होगा काम। उन्नाव में चिप्स बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। शिया के टकसाली नेता शेखवाक ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, पार्टी हाईकमान ने किया बाहर। पंजाब में पकड़ा गया घर का बेदी, आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला बीएसएफ जवान गिरफ्तार। काशी को पीएम मोदी की सौगात, आजादी के बाद पहली बार गंगा के रास्ते पहुंचेगा मालवाहक जहाज। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में कहा कि राम मंदिर निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। योगी ने देश भर के लोगों से अपील की है कि वो इस बार अपने घरों में प्रभु राम के नाम का दीपक जलाएं, दिवाली बाद काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में एक चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म स्थल उपासना के नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकात्मकता के भी स्थल है और प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म स्थल खुले रहना चाहिए, ये आज के समय की जरूरत है। लखनऊ और कानपुर के बीच में स्थित उन्नाव में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां पर चिप्स बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सदर कोतवाली के अकरमपुर क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में दर्जनों गाड़ियां लगी हैं। इस आग की चपेट में माल लोड कर रहे 3 ट्रक भी आ गए हैं। उन्नाव सदर कोतवाली के अकरमपुर में चिप्स और पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में सुबह आग लगने से खलबली मच गई। आग को बुझाने के लिए पहले तो फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लाई गई, इसके बाद हसनगंज, पुरवा, बागर, मऊ और कानपुर से आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई। आग बुझाने का संघर्ष जारी है। शिरोमणि अकाली दल में टकसाली नेताओं की नाराजगी कम नहीं हो रही है। पार्टी के एक और टकसाली नेता सेवा सिंह शेखवा ने शनिवार को पार्टी की कोर कमेटी और सीनियर उप प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया। सुखबीर बादल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बगावत करने वाले अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखवा को 2 घंटे के अंदर पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसकी पुष्टि पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने की है। इस बारे में चीमा ने कहा कि शेखवा के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह कार्रवाई की गई है। आपके फिरोजपुर के ममदोट पुलिस स्टेशन में बीएसएफ के 29वीं बटालियन में बतौर ऑपरेटर काम कर रहे जवान शेख रियाजुद्दीन के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का मामला दर्ज किया गया है। शेख रियाजुद्दीन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। रियाजुद्दीन मूलतः महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और बीएसएफ के 29वीं बटालियन में बतौर ऑपरेटर काम कर रहा था। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की लिखित शिकायत मिलने के बाद आरोपी जवान शेख रियाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक खास सौगात देने जा रहे हैं। यह मौका इसलिए खास है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार कोई मालवाहक जहाज अंतर्देशीय जलमार्ग से माल की ढुवाई करते हुए वाराणसी पहुंचेगा और इसी के साथ ही पीएम मोदी काशी में बने बहुपक्षीय टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दरअसल 12 नवंबर को पहली बार राष्ट्रीय जलमार्ग यानी वाराणसी हल्दिया जलमार्ग से कोलकाता से चले MVRN टैगोर पोत खाद्य पदार्थों और स्नैक्स से भरे 16 कंटेनर के साथ वाराणसी पहुंचेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के रामनगर में बने बहुपक्षीय टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के से सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को निकाल दिए जाने के सवाल पर शनिवार को नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला भड़क गए। उन्होंने कहा कि इन फालतू बातों को ना तो मेरे पास जवाब है और ना ही मेरे पास समय है। उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है। जनसभा में कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाने पर अभय चौटाला ने कहा कि इन नारों की वजह से ही विवाद खड़ा हुआ है। हमेशा पार्टी में नारे उन नेताओं के लगने चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया हो, जिन्होंने देश और किसान को मजबूत करने का काम किया हो।
ग्रेटर नोएडा में शादर यूनिवर्सिटी से लापता कश्मीरी छात्र एहतेशाम बिलाल सोफी के आतंकी संगठनों के साथ मिल जाने की आशंकाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये तस्वीरें फर्जी हैं या इसमें छेड़छाड़ की गई है। शुक्रवार को लापता कश्मीरी स्टूडेंट एहतेशाम बिलाल सोफी की एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें उसके आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि 19 वर्षीय एहतेशाम बिलाल शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अक्टूबर में वो श्रीनगर गया। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के सदस्य के रूप में उसका एक वीडियो सामने आया है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि वीडियो फर्जी है या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है या वो आतंकी बन गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।